मैं आप लोग के साथ फुल फेस मेकअप अंडर 20 रुपीज़ शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हाँ, रिक्वेस्ट से याद आया कि आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी आई एम स्टार डैम की न्यू लॉन्चेस लिप क्रेयॉन का स्वेचेस शेयर कीजिए। तो चलो सबसे पहले हम स्वेचेस देख लेते हैं। अगर आपको स्वेचेस देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। तो इन सभी लिप क्रेयॉन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आ रही है तो आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको स्वेचेस देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ स्क्रीन पे मैं दे दूंगी टाइमिंग कि मैंने मेकअप कब से स्टार्ट किया है, तो आप लोग मेरा मेकअप देख लीजिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शेड नंबर 1 यूज़ करें जो कि लाइट पिंक शेड है। इसके बाद शेड नंबर 2 जो कि उससे थोड़ा सा डार्क पिंक शेड है। इसके बाद शेड नंबर 3 जो कि उससे भी डार्क है पिंक, काफ़ी अच्छा शेड है। इसके बाद हम यूज़ करें शेड नंबर 4 जो कि आप देख सकते हो रेड शेड है, लाइट रेड। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि लिप क्रेयॉन लेने से पहले आप एक बार लिप क्रेयॉन का स्वेचेस ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ साइड पे कुछ और दिखाते हैं और एक्चुअल में कुछ और होता है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया शेड नंबर 13, 15 और एक और है शेड नंबर 18 क्या है, शेड नंबर 20। ये तीनों मेरे फेवरेट शेड हैं, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अब चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एलियाना का मॉइस्चराइजर यूज़ किया। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये है एप्पल का सिमर पाउडर। मैं आपको बोल रही हूँ आपको सिमर पाउडर लेना है, ग्लिटर सिमर नहीं लेना है, सिमर पाउडर। ये आसानी से लोकल मार्केट में 20-30 रुपीज़ का मिल जाता है। मैंने इसे अमीनाबाद से लिया था तो मुझे 20 का मिल गया। अब इसके बाद मैंने यूज़ किया वही फाउंडेशन जो मैंने कल यूज़ किया था, लेकिन ये मैं गई थी मार्केट, मैंने मेरी स्किन टोन का लेके आई हूँ तो मेरी स्किन पे उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। 30 रुपीज़ में हम इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, याद रखें कि आप अपनी स्किन से मैच करता हुआ ही ले, नहीं तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 30 रुपीज़ में ठीक ठाक है। मैंने जो कल यूज़ किया था वो काफ़ी ज़्यादा लाइट था मेरी स्किन से, इसलिए वो तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो गया। तो मैंने सोचा हो सकता है इसीलिए ऑक्सीडाइज हुआ, इसीलिए गई मैं मार्केट और सेकंड सेट लेके आई। 20 रुपीज़ का है तो 20 रुपीज़ तो कोई बड़ी बात है नहीं, 20-30 में क्या मिल सकता है। तो इसको मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ। अगर आपको लेना है तो मैंने बताया था जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ सीतापुर में एक खुला है मुंबई मार्केट, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद मैंने यूज़ किया कलर्स क्वीन की आईब्रो पेंसिल, ग्रीन कलर है, आईब्रो पेंसिल नहीं सॉरी लिप लाइनर है। इसमें मैंने पूरा 12 शेड लिया है तो मुझे 20-20 का मिला है, अमीनाबाद से मैंने लिया था। तो अमीनाबाद के अगर आप लखनऊ से हैं तो आप जाके ले सकते हो, काफ़ी प्यारे प्यारे शेड इसमें आपको मिल जाते हैं, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, रेड, मरून, पिंक, ऑरेंज रेड, काफ़ी प्यारे प्यारे शेड हैं। तो ये शेड लेके मैंने अच्छे से लगा लिया है। अगर आप बिगनर हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, ऐसा करके आप अच्छा सा लुक क्रिएट कर लोगे। तो ऐसे ही मैं मेरी दोनों आईज़ पे लगा लूँगी इसको अच्छे से, और ये लुक आप सिर्फ रात में ट्राई कीजिएगा गाइस, क्योंकि क्रीमी प्रोडक्ट है और समर भी स्टार्ट हो गई। अगर आप इसे दिन में लगाओगे तो कुछ टाइम बाद ही स्मज हो जाएगा। अब इसे ही मैं अपनी आईज़ में भी लगा ले रही हूँ। वैसे मेरे पास काजल था एडीएस का, 10 रुपये में मिल गया था, लेकिन मुझे मेरी आईज़ ग्रीन ग्रीन चाहिए थी तो इसलिए मैंने इसे ही काजल के लिए लगा लिया। दोनों आईज़ में अच्छे से लगा के स्मज कर ले रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा 20 रुपीज़ मेकअप चैलेंज कैसा लगा। अगर आपको 50 या 100 का भी देखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मुझे भी मज़ा आ रहा है यार सच में चैलेंजिंग वीडियो करने में। मैं पता है जब मैं दुकान पे गई थी बोल रही थी अंडर 20, तो मुझे एक शॉप पे बोली, उन्होंने ही बताया कि यहाँ मुंबई मार्केट खुली हुई आप चले जाओ। पहले तो हंसने लगी कि अंडर 20 आपको फुल फेस मेकअप चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो मैंने कहा यार चैलेंज है करना है। इसके बाद मैं मेरी आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ करूँ एडीएस की आईब्रो पेंसिल है, सिर्फ 5 रुपये की है और काफ़ी अच्छी है। जो 20 रुपीज़ की आती है उससे तो लाख गुना बेटर है, उतनी ज़्यादा क्रीमी नहीं है कि आपकी आईब्रो से स्मज हो जाए और कंट्रोल ना हो, थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में है तो फुल कंट्रोल होता है। तो आप ये वाला ले सकते हो, पहले मैं यही यूज़ करती थी। इसके बाद मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से स्मज कर ले रही हूँ। अब मैं फिर वही सिमर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको सिमर पाउडर बोल रही हूँ ग्लिटर नहीं। इसके बाद मैंने बोनजोर का आईलैसेस लगा लिया है, आसानी से हर लोकल मार्केट में मिल ही जाता है। इसके बाद मैं ब्लू हेवन का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, 20 रुपीज़ का है, हर लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है, छोटी बड़ी सभी मार्केट में। इसको मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ। कॉन्टोर के लिए भी मैं यही सेट पिक कर ले रही हूँ और इससे थोड़ा सा मैट लुक भी आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर कॉन्टोर के लिए यूज़ करूँ कलर स्क्रीन की मरून शेड, इसको लेके अच्छे से स्मज कर ले रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं लगा लूँगी। और अगर आप बिगनर हैं तो आप एक ज़रूर ट्राई कीजिए ए ट्रिक, इससे ही मैं नोज़ कॉन्टोर भी कर रही हूँ।
डार्क मरून शेड लेके आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं फेस। अब इसे ही मैं लिप पे भी लगा लूँगी एज अ लिपस्टिक, क्योंकि ये काफ़ी क्रीमी है तो काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसे ही मैं पूरे लिप पे लगा लूँगी। अब मैं इस लिप शेड के ऊपर एक न्यूड शेड लगा रही हूँ, काफ़ी ग्लॉसी लग रहा था तो मैंने वही ब्लश लगा लिया। इसके बाद इसको मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर ले रही हूँ। ब्लश मैंने यही वाला लगाया था, इसको मैं फिर ब्रश की हेल्प से लगा ले रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वही ग्लिटर पाउडर लगा लिया। अब मैं वही जो ग्लिटर शिमर है, सॉरी शिमर पाउडर जो है, उसे मैं पूरे फेस पर लगा ले रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं लगा ले रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर मेकअप डन हुआ। अब चलो बढ़ते हैं हेयर स्टाइल की तरफ। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ आप ऐसे ही स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्राउन सेक्शन से थोड़ा सा अपना बाल लिया, उसको टर्न करके अब इसे एक टिकटॉक पिन की हेल्प से सिक्योर कर ले रही हूँ। अब इसके बाद इसके नीचे से जो मैंने पफ बनाया हुआ है, इसके नीचे से मुझे थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेना है। इसको राउंड राउंड करके इसको भी टिकटॉक पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। टिकटॉक पिन की हेल्प से सिक्योर करने से पहले इसे अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से फुल कर लें ताकि एक अच्छा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए। तो डन 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 डन, ये है मेरी फाइनल हेयर स्टाइल जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो आज के लिए बस इतना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।